मादक पदार्थों एवं गोकशी कर कमाई गई संपत्ति पर जिला प्रशासन ने चाबुक चलाकर संपत्ति को जब्त कर लिया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देश पर पुलभुटा थाना क्षेत्र के दो गैंगस्टर्स की संपत्ति को कुर्की कर जब्त किया गया। इस दौरान तहसीलदार प्रशिक्षु आईएएस अनामिका की देखरेख में सीओ ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने क्षेत्र में मुनादी करके संपत्ति को कुर्क कर लिया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलभुटा थाना क्षेत्र के गैंगस्टर फाजिल खां पुत्र सादिक निवासी वार्ड नंबर 20 एवं वसीम पुत्र इब्राहिम निवासी वार्ड नंबर 18 और 2,14,00,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। नवभारत समाचार किच्छा से राज सक्सेना की रिपोर्ट। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत आदेश जो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो आदेश दिए गए उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये अभी जब्त किया है और इसमें तहसीलदार किच्छा को रिसीवर बनाया गया तो हमने उसी का पोजीशन यहाँ पे मौके पर आकर लिया है। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी आदेश डीएम सर के द्वारा दिए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। थाने में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत अभियुक्त फाजिल और अभियुक्त वसीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही थी। दौरान विवेचना यह बात प्रकाश में आई कि फाजिल जो है स्मैक तस्कर है और वसीम गौ तस्कर है। इनके द्वारा तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है, जिसमें वसीम के 2 मकान और फाजिल के 2 बड़े मकान और लगभग 2 बीघा जमीन और वसीम के 1 पिकअप, 1 टेम्पू, 1 मोटरसाइकिल चिन्हित किए गए। इनकी रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के से अग्रसारित कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से अभियुक्त वसीम के 2 मकान, अभियुक्त फाजिल के 2 मकान और वसीम के 1 पिकअप, 1 टेम्पू, 1 मोटरसाइकिल किच्छा तहसीलदार महोदय को रिसीवर नियुक्त करते हुए आज अधिग्रहित किए गए, जिसकी कीमत लगभग 2,14,00,000 के आसपास है। उत्तराखंड में किसी भी थाना द्वारा पहली बार ये कार्रवाई की गई है।